स्टूडेंट्स आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का पार्ट 10 सर्वनाम चैप्टर का अभ्यास पुस्तिका को हम कराएंगे। ये क्लास 7 का है। व्याकरण निधि अभ्यास पुस्तिका भाग 7 का, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित गलत छपे शब्दों को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। का नंबर, मैंने काम कर सकता हूँ। तो यह मैंने जो है ये सर्वनाम शब्द है लेकिन गलत है, तो मैंने का जगह हो जाएगा मैं काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, खा नंबर, जिसने शीशा तोड़ा है किसको बुलाऊं। तो यहाँ पर किसको का जगह होगा उसको, जिसने शीशा तोड़ा है उसको बुलाऊं। नेक्स्ट देखिए, उनका पिताजी आए हैं। उनका नहीं, ये गलत सर्वनाम है, उनके पिताजी आए हैं। नेक्स्ट घा नंबर देखिए, इसके बल्लेबाजी कराओ। इसके नहीं, इसको बल्लेबाजी कराओ। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द को छाँट कर दी गई रेखा पर लिखिए, यानी इसमें आपको सर्वनाम शब्द को छाँटना है। सर्वनाम बच्चों क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, राजू दिल्ली जा रहा था, किसी ने उसकी जेब काट ली। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या होगा, उसकी। नेक्स्ट देखिए, दरवाजा किसने खटखटाया, किसने। नेक्स्ट देखिए, नितिन अपने आप स्कूल चला गया, अपने आप निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, घर नंबर, कोई आता है कोई जाता है। तो यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर, दिए गए वाक्य में मोटे छपे सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। का नंबर, मैं नहा रहा हूँ। तो यहाँ मैं जो है ये मोटे अक्षर में लिखा गया है, इसका भेद बताना है। तो मैं क्या हो जाएगा बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी, क्या हो जाएगा बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा, स्वयं, क्या होगा बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा वैसा, ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ भी लिख देते हैं, छूट गया है निजवाचक सर्वनाम। अंगा नंबर देखिए, कहीं आज बारिश हुई है, कहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखिए, रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। फिर से आपको जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है उसका, उस सर्वनाम का भेद को बताने होगा। का नंबर, कोई रो रहा है, कोई, कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, जो मेहनत करेगा सो पास अवश्य होगा, जो और शो क्या होगा, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, किसी को अंदर बुलाओ, किसी को, किसी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घर नंबर देखिए, उसने क्या कहा, क्या, क्या क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर हम सर्वनाम नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा आप सभी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइव नंबर में सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। यहाँ चार ऑप्शन सिन दिया गया है, इसमें से जो सही है उसमें आपको राइट का चिन्ह लगाना है। का नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, चार, पाँच, छः, सात, तो सर्वनाम के बच्चों छः भेद होते हैं। खा नंबर, अपने आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, तो अपने आप क्या होगा बच्चों, निजवाचक, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या होते हैं, निजवाचक। ठीक है, ग नंबर देखिए, कोई शब्द कौन सा सर्वनाम है, कोई, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई, अनिश्चयवाचक। ठीक है, कोई, किसी ने, ये सब क्या होते हैं बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।